और इसको ज़्यादा देखता हूँ ना तो बहुत फिर दया भी लगता है दोस्तों, इतना हसीन रूप लेकर ना ये झोपड़ा में आ गए और हम लोगों का लव मैरिज है दोस्तों, ठीक है ना। तो अभी भरता हूँ दोस्तों, ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ फ्रेंड्स। तो अभी सुबह का 8 बज रहे हैं दोस्तों और आज ना हम लोगों का थोड़ा स्पेशल कुछ करने का है। और हम लोग ना वो लालची जीनीस जो हम लोग जो घर पे अचार जो बनवाया था दोस्तों, तो हम लोग जो भी मसाला वसाला देने का था, मसाला देने के बाद ना अच्छे से उसको दो एक दिन धूप भी लगाया था हम लोग, जो भी उनका जो अपना गांव के तरीके से जो बनाने का था ना दोस्तों, उस हिसाब से तो अभी हम लोग बना लिया हो और फाइनली उसको अभी तो अभी हम लोग उसको आँख का भुजर में डालूंगा दोस्तों, और उस पर सरसों का तेल देकर उसको ना अच्छे से अभी हम लोग पैकिंग करूंगा और पैकिंग करने के बाद धूप में देने गर्मी होने के लिए छोड़ दूंगा दोस्तों। और वही सबसे पहला आज हम लोगों का काम है घर पर, और देख सकते हो अपना बीवी भी बहुत इधर उधर घूम रहा है दोस्तों, और बहुत अभी सुबह से काम भी कर रहा है ना। और हम लोगों का सुबह का तो रूटीन होता ही मालूम है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग तो विलेज एरिया में रहता है और हम लोगों का घर पे हर दिन कुछ ना कुछ देखो छोटा मोटा काम रहता ही रहता है दोस्तों। और अपना बीवी तो फिर छोटा मोटा जो बिजनेस जो स्टार्ट किया है ना दोस्तों, वो भी संभालने का रहता है उनको, और घर का जो भी खाना वाना और जो भी छोटा मोटा जो भी काम रहता है दोस्तों, सभी काम करना रहता है उनको, तो उनको भी बहुत काम का जो हेडेक रहता है ना बहुत रहता है दोस्तों। और आप सब लोग देख ही सकते हो दोस्तों, अभी हम लोग इधर ये अचार जो भी है अभी हम लोग ये कांच का भुजिया में डालूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले चलो आज हम लोगों का गांव का जो मौसम कैसा है दोस्तों वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, उनके बाद ना आज हम लोगों को यही काम करना है और इसको कैसा करूंगा दोस्तों तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों आप सब लोग देख सकते हो इधर का हम लोगों का जो विलेज का जो हम लोगों का इधर का जो मौसम है ना बहुत अच्छा है दोस्तों, और बहुत क्लियर भी है क्योंकि आसमान भी बहुत देख सकते हो क्लियर ही है दोस्तों, क्योंकि अभी बादल उदल है नहीं। और अभी लगभग 4-5 दिन से अभी मौसम अभी हम लोगों का इधर का सही चल रहा है दोस्तों, लेकिन अभी इधर बारिश वरिश हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन जब बारिश आता है तो हम लोगों का मुसीबत भी बहुत बढ़ जाता है ना। और आप सब लोग देख सकते हो हर दिन का जैसा आज भी हम लोगों का जो विलेज का जो रूफ और जो लुक है ना दोस्तों आप सब लोग समझ ही सकते हो, और धूप भी बहुत क्लियर है अभी और गर्मी भी है, और जो भी हम लोगों का विलेज में जो काम करने का है सभी आदमी अभी काम पर चला गया है दोस्तों। और अभी हम लोग जो अचार भरने का है दोस्तों वो हम लोग अभी भरूंगा। और दोस्तों आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है हमारा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे काम करने का मौका करके देना दोस्तों, और आप लोगों का सपोर्ट और अपना फैमिली को आप लोगों का सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और उम्मीद ना मेरा खाली जाने मत देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और बहुत मेहनत करके ना वीडियो भी बनाना पड़ता है दोस्तों, और पूरा फैमिली का जो भी काम धंधा जो भी कुछ रहता है उनको भी करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ना तकलीफ भी होता है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों का सपोर्ट और वो ज़रूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा और अपना फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। और आप सब लोग देख ही सकते हो क्योंकि अपना तो जो भी बैकग्राउंड है ना दोस्तों आप सब लोग देख ही सकते हो, क्योंकि मैं तो झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ और कुछ ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो अपना सच्चाई है ना वही मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। और सच्चाई का एक दिन जीत होता है मुझे भी मालूम है और आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों, वही सच्चाई का जो रास्ता है ना उसी पे मैं अभी हक जो है उसी पे मैं लड़ रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों आपका दोस्त हो चाहे अपना भाई हो जो भी समझ कर होता है दोस्तों, आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों दूसरे को देखने के लिए, और भी मौका करके देना दोस्तों, ठीक है ना। तो चलो अभी हम लोग वो अचार भरने का काम करूँगा दोस्तों, और हम लोग कैसे भरूँगा और उसका कैसा जो सिस्टम होता है ना अपना विलेज एरिया का जो सिस्टम है दोस्तों, कोई ना कोई तो तरीका रहता है हर एक काम का, वही तरीके से अभी हम लोग पूरा काम करूँगा। और चलो अभी हम लोग ना वो अचार भरने का काम करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों आप सब लोग देख ही सकते हो क्योंकि ये अचार बनाने का सबसे पहला जो मेहनत है अपना बीवी का है दोस्तों, अगर ये नहीं रहता तो ये अचार हम लोगों का घर पे नहीं बनता दोस्तों, और ये अचार बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम चल ही रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ये अचार जो फाँक करने से लेकर सुखाने तक सब कुछ देखना पड़ता है दोस्तों, और इसको ना एक एक तरीके से इसको अच्छे से संभाल कर रखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर ये अचार ख़राब हो जाएगा तो फिर ये ना खाने के लायक नहीं रहेगा दोस्तों, इसी के लिए ये अपना बीवी का सबसे ज़्यादा मेहनत है इस पर, और बहुत मेहनत कर रहा है दोस्तों,
और आप सब लोग देख ही सकते हो। और हम लोग अभी ये अचार को ये जो भुजा में ना ये जो कांच का जो भुजा में दोस्तों ये वाला इस पर अभी हम लोग डालूंगा कितना जाता है इसके अंदर जाने के बाद फिर वो जो प्लास्टिक का वो जो डिब्बा देख रहे हो ना दोस्तों उस पर भी डालूंगा। तो अपना बीबी अभी उसको भी अच्छे से मिला रहा है दोस्तों जो भी करने का है अभी कर रहा है दोस्तों। तो चलो अभी हम लोग ना उस पर दोनों मिलकर डालता हो क्योंकि अभी धूप भी मौसम भी बहुत अच्छा है दोस्तों देख ही सकते हो। अभी हम लोगों का इधर का मौसम ना बहुत क्लियर है और धूप भी बहुत तेज़ी है दोस्तों हम लोगों के लिए अभी ये मौसम सही है। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी तकलीफ होता है दोस्तों लेकिन हम लोग का मेंटेन करता हो। और आप सब लोग देख ही सकते हो दोस्तों ये जो ऊपर जो टाली है ना इसके वजह से धूप में और या तो गर्मी के टाइम पे बहुत गर्मी भी लगता है दोस्तों। और इसके ऊपर तो फिर हम लोग तिरपाल भी दे दिया उन्हें दोस्तों तो बहुत तकलीफ होता है हम लोगों को। फिर भी हम लोग सब कुछ झेल कर ना रहता हूँ और पूरा सब कुछ मेंटेन करता हूँ दोस्तों। और इसको ज़्यादा देखता हूँ ना तो बहुत फिर दया भी लगता है दोस्तों इतना हसीन रूप लेकर ना ये धूपरा में आ गया है देखिए दोस्तों हम लोगों का लव मैरिज है दोस्तों ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये अचार भरता हूँ ठीक है। अभी जो भी डालने का था अभी ये भुजा में डाल दिया हो दोस्तों देख ही सकते हो ये भुजा हो गया है। अभी दूसरा भुजा में स्टार्ट किया हो डालने का और थोड़ा बहुत खाली है लेकिन अभी इस पर तेल उल दूंगा ना तो फिर इस पर तेल डालने का भी जगह रहना चाहिए। अगर ज़्यादा दब दूंगा तो फिर तेल पूरा नहीं जाएगा इसीलिए थोड़ा सा इसको हल्का खाली रखा हो। तेल डालने के बाद अगर देने का रहेगा तो दूंगा फिर। और अभी दूसरा भुजा फिर डालना स्टार्ट कर दिया हो दोस्तों लेकिन ये भी इससे बिना पूरा नहीं हटेगा मेरे हिसाब से लग रहा है दोस्तों। और अभी देखो इनको फिर मैं बोलूँगा अभी दूसरा भोजन लाने के लिए ठीक है ना। और दोस्तों अभी ये दो भुजा पे भर दिया हो और अभी तेल डालूंगा। तेल डालने से अभी अपना काम खत्म हो जाएगा और इसको ना ढक्कन लगा कर अभी इसको अभी धूप में सूखने के लिए फिर छोड़ दूंगा दोस्तों ठीक है ना। अभी हम लोग तेल डाल रहे हैं इसको। इधर नहीं होता तो फिर हम लोगों का मुंह ही नहीं था अचार खाने का थोड़ा थोड़ा जो डिब्बा मिलता है ना दुकान पे वो खाना पड़ता है। चलो अभी इसको ना धूप में गर्म होने के लिए छोड़ दूंगा दोस्तों। तो अभी घर लेके जाऊंगा इसको चाचा जी के छत पे लेके जाऊंगा दोस्तों। आप लोग मेरे साथ बने रहो आप चलो मेरे साथ हम लोग ना अभी चाचा जी के छत पे जाऊंगा। अभी छत पे जाने के लिए अभी हम निकल गया हूँ दोस्तों और बहुत संभल कर भी जाना पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो सभी नीचे चला जाएगा। और बहुत संभल कर लेके भी जा रहा हूँ मैं ना तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होता है अगर चाचा जी का छत नहीं रहता तो बहुत हम लोगों का मुसीबत भी होता दोस्तों। फिर किसी का इधर उधर फिर किसी का छत में भागना पड़ता है। और अभी मैं आ गया हूँ फाइनली एक चाचा जी के छत पर और अपना छत पर जाकर दूंगा दोस्तों। तो आप सब लोग देख सकते हो अभी अपना छत पे दे दिया हो दोस्तों तो जीनों वाला छत अपना जो खुद का छत है ना उस पर अभी दे दिया हो दोस्तों पूरा बेटा। तो अभी मैं जाऊंगा नीचे और ये काम और मुझे पहले करना पड़ेगा कौन सा काम है मालूम है अपना सोनिया जी के घास करने के लिए फिर मुझे खेत पे भी जाना पड़ेगा। और मैं जाऊँगा और सोनिया जाएगा और आयुष भी जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग सभी आदमी जाऊँगा उधर घास करने के लिए और सोनिया को उधर छोड़ दूंगा तो वो फिर अपना जो भी घास खाने का है खाएगा दोस्तों। और हम लोग उधर आ जाकर बहुत मस्ती भी करने वाला हो दोस्तों और बहुत मज़ा करूंगा दोस्तों ठीक है ना। तो आप लोगों को साथ में लेके जाऊंगा और हम लोग आज जाकर ना पूरा मस्ती करूंगा उधर और हर दिन का जैसा वो हमारा ड्यूटी है दोस्तों कि वो भी हम लोगों का एक फैमिली मेम्बर है और उनके लिए भी
हर दिन कुछ ना कुछ खाना बंदोबस्त करना पड़ता है, और मैं हर दिन ना जाता हूँ खाना उनका जुगाड़ करने के लिए दोस्तों। और आज लोग अभी इधर खेल रहे हैं ना, कभी खेलने दो, फिर मैं जाऊँगा अपना सोनिया को लेके घास करने के लिए दोस्तों। सोनिया जी भी जाने के लिए अभी रेडी है, और अपना आयुष और अपना भाई अभी बाहर है, तो वो लोग भी मेरे साथ जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हो बहुत ये लोग ना मस्ती में है दोस्तों, और अभी आयुष सोनिया को खोल रहा है दोस्तों। आज ना हम लोग तीनों मिलकर जाऊंगा, और अपना छोटा भाई तो हर दिन मेरे साथ जाता ही है दोस्तों। हम लोग ना आज उधर जाऊंगा और बहुत उधर जाके ना मस्ती करूंगा दोस्तों, ठीक है? आप लोग मेरे साथ बने रहो, और अभी हम लोग फाइनली निकल रहा हो दोस्तों, ठीक है ना? अब दोस्तों अभी हम लोग फाइनली निकल गया हो दोस्तों, देख सकते हो अभी सोनिया को भी साथ में ले लिया हो, और आयुष भी साथ से जा रहा है दोस्तों, और हम लोग घर से निकल गया हो दोस्तों। तो अभी हम लोग नदी के उस पर जाने के लिए इधर आ गया हो, अपना तो भागरथ नदी जो है ना दोस्तों, देख सकते हो अभी आ गए हो हम लोग। और इधर ना सबसे पहले ये बकरी को अपना सोनिया जी को ना अभी लेके जाऊंगा नदी के उस पर, उसके बाद फिर आयुष को लेके जाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना? तो आप लोग मेरे तभी हम लोग फटाफट चला जाऊंगा, और अपना सोनिया जी भी देख सकते हो इधर कैसा कर रहे हैं दोस्तों जाने के लिए। और दोस्तों अभी हम लोग नदी के इस पर आ गया हो, और देख ही सकते हो अभी कैसा धूप है, और अभी ना ये आयुष और अपना भाई अभी बकरी को लेके चल पड़ रहा है, और वो लोग अभी बहुत अच्छे से ना अभी लेके भी जा रहे हैं दोस्तों। और देख सकते हो अपना सोनिया भी अभी नया नया इधर आया है ना, उनको भी कैसा लग रहा है। और वो साइड देख सकते हो दोस्तों अभी उधर ना आम तोड़ने का काम भी चालू है, लेकिन अभी ऊपर आम तोड़ने के लिए चढ़ा है ना गाछ पे, तो बहुत सारा पक्का भी नीचे गिर रहा है, तो सभी अभी लेने के लिए सब आदमी परेशान हो गया है। वो लोग जो पक्का जो गिर रहा है ना, वो लोग लेने के लिए अभी बहुत तेज़ी से दौड़ भी रहा है दोस्तों। और हम लोगों का इधर का आम देख ही सकते हो दोस्तों कैसा अभी आम है, और ये सब ना असना आम है दोस्तों, और असना आम का जो क्वालिटी है और कितना फ्रेश है देख ही सकते हो, इसलिए बहुत अच्छा क्वालिटी आया है दोस्तों। और अभी हम लोगों का इधर ये वो लखना गाछ है दोस्तों, ये लखना आम है, ये भी लखना है, और ये सब ना असना आम है दोस्तों। और अभी हम लोगों का ये जो खेती बाड़ी जो है ना दोस्तों, इधर देख सकते हो बहुत सारा आम अभी भी है, लेकिन आम तोड़ने का भी काम स्टार्ट हो गया है हम लोगों का इधर, वो धीरे धीरे अभी स्टार्ट है दोस्तों, क्योंकि अभी आम का रेट भी उतना नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए आम तोड़ना भी अभी थोड़ा बहुत बंद कर दिया है दोस्तों। लेकिन इधर का जो निंगरा आम जो है वो आम का हाई रेट है अभी, वो 1100-1200 रुपया पर मन में चल रहा है दोस्तों भाव। और ये देख सकते हो ये लखना आम है दोस्तों, लेकिन ये आम ना पक्का है वो आम, हाँ बेटा पक्का आ गया। चला गया आगा आगा, गर्मी भी लग रहा है दोस्तों, इसीलिए अभी आम का जो पेड़ है ना उसके नीचे अभी छाँव में खड़ा हूँ, और बहुत सारा घास भी कर लिया हो दोस्तों, और इधर देख सकते हो बहुत सारा घास पर रख दिया दोस्तों, अपना इधर अपना सोनिया भी चल रहा है दोस्तों, बहुत मेहनत से पाँव दिया हो, बहुत मजे से भी बहुत अच्छा भी लग रहा है, उनको छोड़ दिया वो अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हो दोस्तों। और अभी ना गर्मी का टाइम है, और देखिए दोस्तों अपना जो इधर जो आम का जो बगीचा है ना, इधर बोर मारना भी खाली खाली है दोस्तों, क्योंकि उतना आदमी है नहीं, और गर्मी के वजह से भी ना बहुत सारा आदमी अभी अपने इधर आना भी छोड़ दिया है दोस्तों। और अभी हम लोग आया हुआ थोड़ा बहुत घास करने के लिए, अपना हर दिन का ये मॉर्निंग रूटीन है दोस्तों, और आप हम लोगों को ना आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर सोनिया जी के लिए घास करने के लिए नहीं आऊँगा ना तो खर्चा भी फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको अगर खरीद के खिलाऊँगा ना उनका 10-15 रुपये का घास खिलाऊँगा ना, तो खर्चा भी बढ़ जाएगा दोस्तों। हम लोग ना बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, हम लोग का उतना रोजगार का जो जोर भी नहीं है दोस्तों कि हम लोग का सब कुछ कर लूँगा पैसे से, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है, और मेहनत के वजह से हम लोग सब कुछ कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना? और वो कोशिश के लिए हम लोग आने के लिए आया हूँ दोस्तों,
जो भी घास करने का था अभी हम लोग कर लिया होते तो, और अभी हम लोग ना घर जाऊँगा। घर जाने के लिए हम लोग फाइनल रेडी हो रहा। और दोस्तों अभी हम लोग घर आ गया हो घास करके, और सोनिया जी को उधर बांध दिया हो दोस्तों, वो दरवाजा जो मेन दरवाजा है ना दोस्तों उधर बांध दिया हो, और घास को अभी साइकिल के ऊपर रख दिया हो दोस्तों। और अपना बीवी तो अभी खाना भी पका रहा है, उनका भी लगभग खाना पकाना ख़त्म हो गया है दोस्तों। और आम आयुष उधर जो मिला था उनको, वो आम अभी खा रहा है दोस्तों ये। और अभी यहीं से ख़त्म करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा, फिर कुछ नया चीज़ लेके आऊँगा अपना फैमिली का या तो अपना विलेज का। हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों को बताता रहूँगा दोस्तों, कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होएगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड बाय दोस्तों। बाय बाय।